तो आप यहाँ पर सोचिए इतने धनिए की प्राइस यहाँ पर कितनी होगी। वेलकम टू माई न्यू वीडियो। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हमारी डेली जो सब्जी दूध वगैरह जो लगता है डेली की चीज़ें उनका प्राइस US में क्या है। तो मैंने ये बिल हाथ में पकड़ लिया है और अभी मैं बिल देखते देखते आपको एक एक बताते जाऊंगी कि इतना मैंने कितने का लिया। ये सारी सब्जियाँ और फ्रूट्स वगैरह दूध जो है वो मैंने इंडियन स्टोर से लिया है, और वो भी मैं इंडियन स्टोर नहीं गई, यहाँ पर एक मैं इंडियन स्टोर एक बार गई थी। तो यहाँ पर लोग बहुत हेल्पफुल होते हैं, इंडियन लोगों की बहुत हेल्प करते हैं। तो फिर उन्होंने एक ग्रुप क्रिएट किया है, तो वहाँ पर वो बताते हैं कि हम इस दिन आपकी लोकेशन पे आ रहे हैं, आपको कुछ चाहिए होगा तो हमें मैसेज करके बता दीजिए। तो वैसे ही मैंने उनको मैसेज करके बता दिया था, तो वो कल लेके आए हैं मेरे लिए सारी चीज़ें। तो मैं आपको एक एक का भी प्राइस बताती हूँ। सबसे पहले है ये टोमेटो, जो कि हर सब्जी में यूज़ होते हैं और मतलब हर दिन ज़रूरत ही पड़ती है इसकी, जिस दिन सब्जी बनाओ। तो इतने साइज़ के टमाटर हैं, मैंने हाफ किलो मंगाए हैं, जिसमें ये 5 टमाटर आ गए थे। उसकी प्राइस है $135, मतलब 103 रुपये में मुझे इतने टमाटर मिले हैं आधा किलो। और आपको ना ये प्राइस जान के कैसा लग रहा है ये भी मुझे कमेंट करके बताइए। और आपको भी इस वीडियो से आइडिया हो जाएंगे कि अगर आप इंडिया मतलब US में आने का प्लान कर रहे हो, स्टूडेंट हो, तो ये सारी ज़रूरत की चीज़ें कितने की मिलती है, खर्चा कितने का होता है, तो इसका भी आपको आइडिया आ जाएगा। सेकेंड है ये कैबेज, जो कि है 2 किलो की, और इसकी प्राइस है $347, मतलब इंडियन रुपीज़ में 265 की 2 किलो पत्ता गोभी। तीसरी चीज़ है ये बैंगन, जो कि उन्होंने प्लास्टिक में ऐसे डाल के नहीं दिए हैं, पर ठीक है, एक बड़े से प्लास्टिक में डाल के दिए थे। तो इसकी जो ये जो है ना बैंगन, मैंने हाफ किलो से थोड़े कम दिए हैं, तो इसकी प्राइस है $135, मतलब 103 रुपये। और मैं नीचे यहाँ पर ये बिल देख रही हूँ, क्योंकि मुझे एकदम एग्जैक्ट प्राइस याद नहीं रहती ना, इसलिए। तो इन US में मिलते हैं हाफ किलो से थोड़ा कम बैंगन 103 रुपये में मिलते हैं, पर एटलीस्ट यहाँ पर बैंगन मिलते हैं, यही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मुझे ना बैंगन बहुत पसंद है, बैंगन की सब्जी, और यहाँ पर मिलते ही नहीं थे, पर अच्छा हुआ कि मुझे इंडियन स्टोर मिल गया और वहाँ पर बैंगन मिलते हैं। चीज़ है ये पोटैटो, ये वाइट पोटैटो करके उन्होंने नाम लिखा है, बिल में लिखा है वाइट पोटैटो। ये मैंने लिए है 1 kg, और 1 kg की प्राइस है $362, मतलब 277 रुपीज़ के 1 किलो आलू। और अभी नेक्स्ट देखते हैं ये क्या है। हाँ, हर सब्जी में काम आने वाला पैक, जिसके बिना तो काम ही नहीं चलता। तो ये भी कितना है पैक जो है ना, वो रेड अनियंस है 1 kg के। हाँ, ये भी 1 kg के है, और इसका प्राइस है $3.99, मतलब $305 के 1 किलो पैक अनियन। है ये पनीर, जो है 341 ग्राम की, और इसकी प्राइस है $499, मतलब 382। तो 380 की पनीर है ये, इतनी सी, देखो कितना महंगा होता है अमेरिका में। अभी मुझे ये वीडियो बना रही हूँ ना, तो बहुत रियलाइज़ हो रहा है कि बहुत महंगा है यहाँ पर। US में ऐसा है कि बहुत सारी इंडियन सब्जियाँ जो है ना फ्रोज़न में मिल जाती है। तो ये देखो, जैसे यहाँ पर ये फ्रेश सब्जी मिलती नहीं है, और ये इसको पापड़ी, इंग्लिश में पापड़ी है, हम बाल की शेंगा बोलते हैं, और मुझे हिंदी में इसका नाम नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, तो मुझे कमेंट करके बताइए आप हिंदी में इसको क्या बोलते हैं। हम मराठी में इसको वालाचा शेंगा बोलते हैं, और यहाँ पर इंग्लिश में पापड़ी लिखी है। तो ऐसे फ्रोज़न सब्जियाँ यहाँ पर मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पर ये फ्रेश सब्जी मिलना ना बहुत ही मुश्किल है, बहुत कम जगह पे ये मिल जाती है ऐसी फ्रेश सब्जियाँ, और अगर मिली भी तो उसकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा रहती है। तो इसकी जो ये फ्रोज़न की प्राइस है ना, इतनी की, ये हाफ के जी का पैकेट होगा,
हाँ 350 ग्राम समथिंग, मतलब हाफ के जी से भी कम। तो इसका जो है ना प्राइस है, कितना प्राइस है यहाँ का, हाँ $2.19, मतलब 170 रुपीज़ का ये फ्रोजन सब्जी मिलती है यहाँ पर। नेक्स्ट है ये शिमला मिर्च, और ये दो शिमला मिर्च की प्राइस है $1.95, मतलब 150 रुपीज़ के दो शिमला मिर्च। अभी सब्जियों का सेक्शन तो ख़त्म हो गया है, अभी देखते हैं फ्रूट की प्राइस कितनी है यहाँ पर, और ज़रूरत की चीज़ें जैसे दूध और पाव बस यही बचा है, तो अभी इनकी भी प्राइस देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है ये अमरूद गावा, और इस ये मैंने 1 kg लिए हैं, और यहाँ बहुत टेस्टी होते हैं ये, इस तरीके से पैक ऐसे पैक होके आते हैं। देखो वीडियो में गलती होनी ही चाहिए, तो ये ऐसे है, और इसका 1 kg अमरूद की प्राइस है यहाँ पर $6.25, मतलब 480 रुपीज़ में 1 किलो अमरूद। अपने यहाँ पर तो मुझे लगता है 1 किलो अमरूद 50 या 100 के अंदर तो आती ही होंगी, यहाँ पर 480 के आ रहे हैं। नेक्स्ट जो है ये होल विटामिन डी मिल्क है, और इस ये जो है ना इस ये है 378 लीटर, और इसकी प्राइस है 300 रुपीज़, और ये जो है ना 15 दिन के बाद एक्सपायर होता है। और यहाँ पर ना ऐसे ही इसमें मिल्क मिलता है, साइज छोटा बड़ा होता है, तो ये मैं सबसे बड़ा वाला मिल्क का ये लेती हूँ, क्योंकि मैं रोज़ चाय पीती हूँ। और यहाँ पर ना बहुत सारे टाइप के मिल्क आते हैं, इसकी मिल्क जो जिसमें बिल्कुल भी मलाई नहीं होती है, बिल्कुल पानी जैसा लगता है, या फिर विटामिन डी हो गया, और अलग अलग टाइप के आते हैं। अभी मुझे ना वीडियो बना रही हूँ तो अभी मुझे याद नहीं आएंगे नाम, पर कुछ विटामिन कुछ अलग वाले विटामिन होते हैं, ऐसा कुछ होता है, पर मुझे ये ना सबसे बेस्ट लगता है विटामिन डी वाला, इससे चाय भी अच्छी बन जाती है, तो मैं यही वाला मिल्क यूज़ करती हूँ। तो 15 दिन तक चल जाता है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर ना मिल्क थोड़ा सस्ता है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मिल्क मतलब इंडिया सस्ता नहीं बोल सकते, पर इंडिया से बराबर ही है, क्योंकि ये देखो ये 15 दिन तो चल जाता है मिल्क। और फिर अपने इंडिया में अगर अच्छा वाला गाय का ताज़ा वाला दूध लो तो वो कितना लगता है, 40-50 रुपीज़ लीटर होता है, तो ये यहाँ पर मुझे लगता है चल जाता है। बाकी आप क्या सोचते हो आप मुझे बताओ। तो नेक्स्ट है ये पाव, जो कि अभी मैंने पाव भाजी बनाने के लिए लिए है, पर ये हम या यहाँ पर ना ऐसे पाव भाजी वाले पाव नहीं मिलते, यहाँ पर ये बर्गर वाले पाव है, तो इसमें बर्गर बनाते हैं। देखो यहाँ पर लिखा भी है हैमबर्गर, तो ये है ना 4-8 पीस है इसमें, और इसकी प्राइस है $1.25, मतलब 95 रुपीज़ के ये 8 बर्गर। और ये हम चाय के साथ भी ले सकते हैं, पर ज़्यादा ही महंगे हो गए हैं, ये भी महंगाई है, सब कुछ महंगाई है। नेक्स्ट है ये रस्क, जो कि हम रोज़ चाय के साथ लेते हैं, तो ये जो यहाँ पर ना इंडिया के ये जो रस्क है ना, वो दो ही ब्रांड के मुझे अभी तक दिखे हैं, एक ब्रिटानिया और दूसरे के पार्ले के। इसमें अलग अलग फ्लेवर आते हैं, जैसे एक मिल्क वाला होता है, इलायची वाला होता है, और इसकी प्राइस है 3.99, मतलब 305 रुपये। नेक्स्ट है ये धनिया, और ये धनिया जो है ना इंडिया में तो 10-20 रुपये का मिल जाता है, या फिर सब्जी वालों के पास से हम फ्री में भी लेते हैं, और महंगा भी हो गया तो ज़्यादा से ज़्यादा हम 40 रुपये का ले लेंगे इतना धनिया, पर मुझे तो नहीं लगता इतना भी धनिया 40 का मिलता होगा, पर हम कंसिडर कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर सोचिए इतने धनिए की प्राइस यहाँ पर कितनी होगी, आप केस करिए और मुझे कमेंट करके बताइए, उसके बाद मैं प्राइस बताती हूँ आपको। 2000 years later. तो आपने कमेंट कर लिया, गेस कर लिया कितने का होगा, तो इतना धनिया है यहाँ पर $1.49, मतलब 115 रुपये के 15 रुपये का इतना धनिया। मतलब मैं इंडिया से US आई थी ना, तब मैंने सोचा था कि धनिया इतना महंगा है, मैं तो कभी यूज़ नहीं करूँगी ये धनिया,
तो सच में मुझे ये धनिया वगैरह खरीदने में ना तो बहुत ही ज्यादा ये होता है कि हाँ इतना महंगा मैं नहीं खरीद सकती। इतना सा धनिया 115 रुपए में, मतलब इंडिया से कंपेयर करके देखो तो ये लेने की सच में जरूरत है क्या, ऐसे लगता है। और इससे ज्यादा तो है अब मेरे पास है नहीं। वो पुदीना होता है ना, उसकी तो बहुत छोटी सी, इतना इतना पुदीना वो होता है $5 का, मतलब 350 रुपए के आसपास इतना सा धनिया आता, पुदीना आता है, जो कि अपने इंडिया में फ्री में ऐसे एक अगर पुदीना का पौधा लगा दो तो वो ऐसे मतलब पूरा फैल जाता है, बहुत सारा पुदीना मिल जाता है। पर यहाँ पर इतना महंगा है बस, तो ये सारी चीज़ें ना यहाँ पर बहुत महंगी हैं। तो आपको अमेरिका में इंडियन फ्रूट्स और वेजिटेबल की प्राइस जान के कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए। कौन से फ्रूट और वेजिटेबल की, फ्रूट या वेजिटेबल किसकी प्राइस आप मतलब जान के शौक हो गए, प्लीज़ मुझे ये कमेंट करके बताइए। और आपको US के बारे में क्या जानना है, किस टाइप की वीडियो देखनी है, वो भी कमेंट करके बताइए। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। थैंक यू, बाय। और कौन सा आपको लगा कि ठीक है, हाँ ठीक है, ये इंडिया के बराबर है, ऐसा आपको लगा, मतलब कौन सा ये लगा आप मुझे वो भी कमेंट करके, क्या बोल रही हूँ मैं, के फ्रूट्स और वेजिटेबल की प्राइस जान के कैसा लगा अमेरिका में इंडियन वेजिटेबल और फ्रूट की प्राइस जान। और यहाँ पर ये ब्रिटानिया, और क्या एक ये ब्रिटानिया का प्राप्त